मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। भारत कुमार उर्फ मनोज कुमार उर्फ हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। वक्त और काम के साथ साथ बॉलीवुड के भारत कुमार यानी मनोज कुमार का नाम बदलता गया, उन्हें नई पहचान मिलती गई और लोग उनके दीवाने होते चले गए। वो कहते थे, दीवानों से ये मत पूछो दीवानों पे क्या गुजरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड लेजेंड सितारों का सफरनामा और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। आज बात बॉलीवुड के उस चमकते सितारे की जिसने अपनी शर्तों पर काम किया, नाम कमाया और सारी दुनिया में शोहरत हासिल की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनोज कुमार की। मनोज कुमार का जन्म पाकिस्तान के एबटाबाद में 24 जुलाई 1937 को हुआ था। उनका बचपन का नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। वो 10 साल के थे जब देश का बंटवारा हुआ और माता पिता के साथ उन्हें एबटाबाद छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। मारकाट का दौर था, हर तरफ लूटपाट और हत्याएं हो रही थी। ऐसे में जान बचाने और जिंदगी को जैसे तैसे आगे बढ़ाने के लिए परिवार दिल्ली के राजेंद्र नगर के पास किंग्सवे कैंप के विजयनगर रेफ्यूजी कॉलोनी में रहने लगा। दिल्ली के हिंदू कॉलेज से हरिकृष्ण ने अपनी पढ़ाई लिखाई की और दिल्ली आने के बाद ही उनके छोटे भाई और बहन का जन्म हुआ था। वक्त के साथ हरिकृष्ण बड़े होते गए तो फिल्मों में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। 10 साल की उम्र में हरिकृष्ण ने दिलीप साहब की साल 1947 में आई फिल्म जुगनू देखी। इस फिल्म के अंत में दिलीप कुमार की मौत हो जाती है। अगले साल उन्होंने फिर दिलीप साहब की फिल्म शहीद देखी, उसमें भी लास्ट में दिलीप कुमार की मौत हो जाती है। अब ऐसे में 10-11 साल के बच्चे हरिकृष्ण को ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक शख्स मरकर कैसे जिंदा हो सकता है और फिर से मर जाता है। अपने मन की बेचैनी लेकर ये सवाल उन्होंने अपनी माँ से किया तो माँ ने बताया कि ऐसे लोग फरिश्ते होते हैं। माँ की बात का हरिकृष्ण पर गहरा असर हुआ और उन्होंने ठान लिया कि अब उन्हें भी एक फरिश्ता बनना है। उसी साल के अंत में उन्होंने दिलीप साहब की एक और फिल्म शबनम देखी। फिल्म में दिलीप कुमार के किरदार का नाम मनोज कुमार था। हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी दिलीप कुमार को फरिश्ता तो मानते ही थे, अब वो उनके इस नाम को भी अपनाना चाहते थे। लिहाजा ये तय कर लिया कि बड़े होकर जब वो फरिश्ता बनेंगे तो अपना नाम मनोज कुमार रखेंगे और इस तरह हरिकृष्ण गोस्वामी बन गए बॉलीवुड के मनोज कुमार। डीयू के हिंदी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान मनोज कुमार ने खेलकूद और रंगमंच में भी हिस्सा लेना शुरू किया। बताया ये जाता है कि मनोज कुमार काफी अच्छा क्रिकेट और हॉकी खेलते थे। कॉलेज के दिनों में ही उनकी जिंदगी में उनकी प्रेमिका शशि की एंट्री होती है और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा खासा वक्त बिताने लगते हैं। एक साथ फिल्में देखना, घूमना फिरना शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर जिंदगी बढ़िया कट रही थी कि उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आता है। एक दिन अचानक उनकी मुलाकात अपने एक रिश्तेदार लेखराज भाकरे से हुई, जो कि एक फिल्म निर्देशक थे और अपनी फिल्म टांगे वाली के प्रीमियर के लिए दिल्ली आए हुए थे। अब उन्होंने जैसे ही मनोज को देखा तो कहा, अरे तू तो बिल्कुल हीरो जैसा लगता है। ये बात सुनते ही मनोज को अपना फरिश्ता बनने वाला सपना सच होता दिखाई दिया। उन्होंने झट से लेखराज से कहा, तो फिर बना दीजिए ना हीरो। बस फिर क्या था, लेखराज भाकरे के बुलावे पर मनोज कुमार सपनों की नगरी बंबई पहुंच गए और उनके साथ काम करने लगे। साल आया 1957, मनोज तब 20 साल के हो चुके थे। लेखराज भाकरे ने फिल्म बनाई फैशन। इस फिल्म में हीरो थे प्रदीप कुमार और हीरोइन थी माला सिन्हा। हैरानी की बात ये थी कि इस फिल्म में एक युवा लड़के को 90 साल के बूढ़े भिखारी का छोटा सा रोल दिया गया। इसके बाद लेखराज ने उन्हें अपनी अगली फिल्म सहारा और चांदनी में 4-5 सीन दिए, लेकिन उनका फरिश्ता बनने का सपना अब भी अधूरा था। बताया जाता है कि मनोज कुमार उन दिनों कई दूसरे निर्माता निर्देशकों से भी फिल्म में काम करने और रोल पाने की मिन्नतें करते रहे, लेकिन वो कहते हैं ना, देर से ही सही लेकिन मेहनत करने वालों की भगवान सुनता जरूर है। इसी तरह भगवान ने मनोज कुमार की फरियाद भी सुन ली और साल 1961 में उन्हें लीड एक्टर के तौर पर पहली फिल्म मिली कांच की गुड़िया, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद मनोज ने कुछ और फिल्मों में भी काम किया,
लेकिन उन फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया। मनोज का वक्त बदला। अगले साल 1962 में आई फिल्म हरियाली और रास्ता से ये फिल्म सिल्वर जुबली हिट रही और माला सिन्हा के साथ उन पर फिल्माए गए सभी गाने भी। इसके बाद भी मनोज कुमार ने कई फिल्में की, लेकिन वो औसत दर्जे पर ही चल सकी थी। उन्हें अब एक बार फिर हिट फिल्म की तलाश थी, जो पूरी हुई साल 1964 में, और फिल्म का नाम था वो कौन थी। इसके अगले साल 1965 में मनोज कुमार की 3 जबरदस्त फिल्में आईं और उन फिल्मों से मनोज कुमार सुपरस्टार बन गए। ये फिल्में थी शहीद, हिमालय की गोद में और गुमनाम। उस साल कमाई के हिसाब से फिल्म हिमालय की गोद में तीसरे नंबर पर रही। बाकी दोनों फिल्मों ने भी अच्छा काम किया था। खास बात ये थी कि शहीद फिल्म के जरिए ही मनोज कुमार ने देशभक्ति फिल्मों में कदम रखा था। बताया जाता है कि शहीद में मनोज कुमार का काम देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें ऐसे ही टॉपिक पर कुछ और फिल्में बनाने की सलाह दी थी, जिसे मनोज कुमार ने माना भी और साल 1967 में बनाई फिल्म उपकार। इस फिल्म में देश के किसानों की जिंदगी और उनके दुख दर्द को बड़े करीब से दिखाया गया था। फिल्म में मन्ना डे का गाया गाना, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, आज भी सुनो तो रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म में मनोज कुमार के किरदार का नाम भारत था, जो दर्शकों के मन में अमिट छाप छोड़ गया। इसी फिल्म से मनोज कुमार ने निर्देशक के तौर पर खुद को स्थापित कर लिया और देशभक्ति से जुड़ी फिल्मों के कारवां को आगे बढ़ाया। उपकार उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और कमाई के मामले में भी उस साल नंबर 1 पर रही। इस फिल्म ने उस साल नेशनल अवार्ड से लेकर फिल्म फेयर अवार्ड की झड़ी लगा दी थी। और उसी साल मनोज कुमार की अनीता और पत्थर के सनम जैसी दो और फिल्में आई, जो दर्शकों में खूब पसंद की गई। साल 1968 आया और इस साल मनोज कुमार का वो सपना पूरा हुआ जो वो 10 साल की उम्र से देखते आ रहे थे, क्योंकि उस साल मनोज कुमार को अपने गुरु, अपने आदर्श दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला था। फिल्म का नाम था आदमी। फिल्म में ट्रेजेडी किंग को बराबरी की टक्कर देने वाले मनोज कुमार का काम काफी पसंद किया गया। अभी तक मनोज कुमार को फिल्म अभिनेता और निर्देशक के रूप में पूरे देश में पहचान मिल चुकी थी, और अब बारी थी उनके फिल्म निर्माता बनने की, जो पूरी हुई साल 1970 में आई फिल्म पूरब और पश्चिम से। फिल्म में भारतीय संस्कृति और वेस्टर्न कल्चर के बीच अंतर दिखाया गया था, तो आज भी दर्शकों को वो खूब पसंद आता है। फिल्म के गाने बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। मनोज कुमार पर फिल्माया गया मुकेश कुमार की दर्द भरी आवाज में गाना, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। ये गीत आज भी दर्द के सागर में डूबे आशिकों को सहारा देने का काम करता है। इस फिल्म ने भारत कुमार को विदेशों में भी जबरदस्त हिट कर दिया था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारत कुमार ने कई बड़ी फिल्में बनाई, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, शोर और क्रांति। फिल्म शोर में एक बार फिर उनके एक गाने ने हर ओर शोर मचा दिया था, और उसके बोल थे, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। इस गाने के लिरिक्स, इस गाने का म्यूजिक और लता मुकेश की दर्द भरी आवाज को टक्कर देने वाला गाना आज तक नहीं बना होगा। इसी तरह से फिल्म क्रांति के गाने और एक से बढ़कर एक दिग्गज सितारों का मेला शायद ही इससे पहले किसी फिल्म में देखा गया था। दिलीप कुमार, मनोज कुमार, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, परवीन बॉबी, निरुपमा रॉय, सारिका, प्रेम चोपड़ा, प्रदीप कुमार, मदन पुरी और टॉम ऑल्टर जैसे सुपरस्टार्स एक साथ इस फिल्म में नजर आए थे। फिल्म निर्माण के अलावा मनोज कुमार ने दूसरे निर्माता निर्देशकों की फिल्मों में भी काम करना जारी रखा, और बेईमान, सन्यासी और 10 नंबरी जैसे फिल्मों में काम करके दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी। लेकिन वक्त के साथ साथ बॉलीवुड में भी बड़े लेवल पर बदलाव हो रहे थे। अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे दमदार एक्शन हीरोज की एंट्री से पुराने कलाकारों की डिमांड कम होती जा रही थी, और ऐसा ही मनोज कुमार के साथ भी हुआ। 80 का दशक शुरू होने के बाद मनोज कुमार की उम्र और करियर भी ढलने लगी। अब बात करें घर परिवार की,
तो मनोज कुमार ने अपने कॉलेज की प्रेमिका शशि को ही अपनी जिंदगी का हमसफर बनाया और उनसे शादी की। उनके दो बेटे हुए, कुणाल और विशाल गोस्वामी। इनमें से विशाल ने गायकी की दुनिया में कदम रखा और कुणाल ने अभिनय की दुनिया में, लेकिन दोनों ही बच्चों की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। कुणाल को तो खुद मनोज कुमार ने अपनी कुछ फिल्मों में रोल देकर लॉन्च करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका अभिनय शायद देश की जनता को पसंद नहीं आया। हालांकि मनोज कुमार खुद भी साल 2000 तक कुछ फिल्मों में नजर आए, लेकिन उनके बच्चों का करियर पूरी तरह से असफल ही रहा। अपने 4 दशक से भी लंबे करियर में उन्हें बेस्ट एक्टर, डायरेक्टर और राइटर के अनगिनत अवार्ड्स मिले। अपने दर्शकों को हमेशा से अपना अन्नदाता मानने वाले मनोज कुमार को पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के जैसे अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। समस्त भारत के प्यारे भारत कुमार अब 87 साल के होने जा रहे हैं और हमें यकीन है कि भारतीय सिनेमा जगत के इतिहास में हमेशा उनका नाम गर्व से लिया जाएगा।